हेलो दोस्तों दोस्तों अज की वीडियो में आप गल करेंगे पंजाब आप डैथ सर्टिफिकेट किमें बनवा सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट डाकूमेंट है तो इस तो बगैर काफ़ी जोड़ा काम है वो रुक जाते हैं, इसलिए अपन टाइम सिर यह बना लेना चाहिए। तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों तरीके की गल करेंगे आप किमें बना सकते हो। जो दोस्तों वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो तो वीडियो में लाइक कर लो। तो हाँ दोस्तों एक गल होर, तुसी अपने मोबाइल पर भी यह जो प्रोसैस मैं पीसी पर कर रहा हूँ सेम प्रोसैस तुसी अपने मोबाइल पर कर सकते हो। सब तो पहले आपां करना की है दोस्तों, अपने मोबाइल के ब्राउजर भी जाना है और उत्थे आपां ब्राउजर का जो डैस्कटॉप वर्जन है वो ऑन कर लेना है तो सर्च करना है crsorgi.gov.in। सर्च करने तो बाद इन्हां दी जिहड़ी ऑफिशियल साइट है सर तुहाड़े सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह की साइट बिल्कुल तुहाड़े सामने ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों हुण तुहानूं सब तो पहले आपां ऑफलाइन तरीके की गल कर लीए, तो ऑफलाइन तरीका सब तो पहले आपां नूं फॉर्म डाउनलोड करना पैंदा डैथ सर्टिफिकेट का, तो उसका ऑप्शन आपां इत्थे फॉर्म्स ते क्लिक करांगे ते CRS ते क्लिक करन तो बाद अपने कोल इस तरह का फॉर्म जिहड़ा ओपन हो जाएगा। दोस्तों जिहड़ा फॉर्म नंबर 1 है यह बर्थ सर्टिफिकेट है जी, जन्म का सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जिहड़ा 2 नंबर फॉर्म है इत्थे आपां चैक कर सकते हैं, डैथ रिपोर्ट यह डैथ सर्टिफिकेट है। सिंपल जिहा प्रोसैस है दोस्तों, ये सारा नॉर्मली डिटेल होंगी आप जी जिन्हें की डैथ हुई है उन्होंने डिटेल भरनी होंगी है। इतने जे कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करो, मैं तुम्हें तो फॉर्म डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर भी सेंड कर देंगे तो सिखा भी देवगा। ओके दोस्तों तो यह फॉर्म डाउनलोड करके जी अपन मुफ्त कार्ड में जी रसीद मिलती है आपको, सब तो पहला जेडे अपने नगर कौंसल का जोड़ा MCD जाके उ जमा करवाना पैदा है, तो पूरे अपना फॉर्म फॉर्म लैके रिसिप्ट लैके उस तो बाद अगे सेवा केंद्र तक भेज देने, सेवा केंद्र तो आपको 4-5 दिनों में इशू करवाना पैदा। ये सारा ऑफलाइन डैथ सर्टिफिकेट बनाने का तरीका सी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ आप सीधा मोडी पर आने, ऑनलाइन आप 5 मिनट में किमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने वास्ते भी आपको इन्हें ऑफिशियल वैबसाइट उपर ही रहना पवेगा। तो इस तो बाद आप इतने चैक कर सकते हैं दोस्तों, जिहड़ा जनरल पब्लिक साइनअप लिखा है तो आप क्लिक कर लेंगे। तो उस तो बाद दोस्तों इस तरह का पेज थोड़े सामने ओपन हो जाएगा। इतने आप इन्होंने मैनशन किया हुआ दोस्तों 21 दिनों के अंदर अंदर जे तुसी कोई भी सूचना डैथ की या बर्थ की दे रहे हो तो इस साइट उपर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यह अप्लाई नहीं करेगा। तो सब तो पहले आप इतने फिल कर लेंगे, यूजर नेम भर लेंगे अपना जिदी भी जो भी किसी का भी यूजर नेम भर दो, जिसका मोबाइल तो ईमेल एड्रेस चलती है उसकी आप भर देंगे नेम ईमेल एड्रेस, उस तो बाद मोबाइल नंबर, उस तो बाद जिदे घटना वापरी है डिटेल देनी है जिहड़ी घटना की एग्जाम्पल के तौर पर अज जे डैथ हुई है तो तुसी अज की ही डेट उरे मैंशन कर दोगे। इस तो बाद तो अपनी स्टेट भर लेंगे, इस तो बाद डिस्ट्रिक्ट इतने आप सब डिस्ट्रिक्ट होंगी है जिहड़ी तहसील, तो इस तो बाद अपना विलेज या टाउन जिहड़े शहर में रहने तुसी उसकी डिटेल भर देंगे। तो इस तो बाद आप रजिस्ट्रेशन यूनिट भर देंगे। ओके दोस्तों इस तो बाद जो होंगे ये ऑटोमैटिकली जी रजिस्ट्रेशन यूनिट ऑटोमैटिकली जी अपनी MCD है वो उठा लेंदी है, फिल करने की लोड़ नहीं। इस तो बाद सेम कैप्चा आप इतने फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर होने तो बाद दोस्तों थोड़े जीमेल आई डी उत्ते एक मैसेज आएगा, तो मैसेज तो बाद आप करना की अपनी जीमेल में जाना है। तो इतने दोस्तों तुम देख सकते हो मेरी ID पे इन्हों की ऑफिशियल साइट वालों एक मैसेज आया है, तो CRS यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे। तो मैसेज पर क्लिक करने तो बाद इस तरह का जिहड़ा रजिस्टर ID अपने सामने ओपन हो जाएगी, इसमें आप कॉपी कर लेना है। इतों कॉपी करने तो बाद नीचे जिहड़ा क्लिक हेयर का बटन लग गया हुआ उस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों क्लिक हेयर करने तो बाद इन्हों की ऑफिशियल साइट उपर आप फिर पहुँच जावे, तो इतने आप यूजर जी ID कॉपी की आप इतने पेस्ट कर देंगे तो नवा पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। दोस्तों पासवर्ड थोड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए। इस तो बाद की करना आप एक सेम कैप्चा इतने फिल कर लेंगे, जो तो कैप्चा समझ नहीं आता तो इतना आप रिफ्रैश करके नया कैप्चा लैके इतने आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने तो बाद दोस्तों वो जो ऑफिशियल साइट का मेन पेज से उस पेज उपर आप फिर दोबारे आवेंगे, तो अपनी यूजर ID जो आप कॉपी की इतने फिल करेंगे, तो पासवर्ड इतने फिल करेंगे, तो कैप्चा फिल करेंगे, तो लॉगिन तो आप क्लिक कर देंगे, जिस नाल आपां इन्हां दी जिथे आप फॉर्म सबमिट करना है उस साइट उपर पहुँच जावे। तो लॉगिन करने तो बाद इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। तो आप राइट कोर्नर में देखेंगे डैथ का ऑप्शन दिता हुआ, तो उस आप जो क्लिक करते हैं तो ऐड डैथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अपने सामने आ जाता है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे।
ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੇਜ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਫੋਰਮ ਦਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਪਰੂਫ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਪਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ।